छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज जो नकली मिलियन फॉलोअर्स लेकर टू सिख हु मर्डर्ड इंदिरा गांधी बिंद्रावाला के सपोर्टर्स थे, वो बिंद्रावाला जिनको आप लोग संत मानते हैं, क्यों? क्योंकि खालिस्तान की सोच गलत है, खालिस्तान कभी भी नहीं बन सकता। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। तो सभी छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज जो नकली मिलियन फॉलोअर्स लेकर इंस्टाग्राम पर बैठे हैं और मुझे टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करते समय एक मेरा 10 साल पुराना वीडियो वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वीडियो के अंदर मैंने पैसों की डीलिंग करी थी। जी हाँ, 30 लाख रुपए की डिमांड रखी थी फॉर डूइंग अ फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस विद अ सेटअप। जी हाँ, ऐसी ब्लैक मनी वाली डील्स बहुत होती थी बॉलीवुड के अंदर, ये सबको पता है। इसलिए मोनेटाइजेशन करना बहुत जरूरी था क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ब्लैक मनी था। बॉलीवुड के साथ साथ बहुत सारे अलग क्षेत्र में भी ब्लैक मनी है, ये हम सबको पता है भारत के अंदर। मगर ऑब्वियसली डीमोनेटाइजेशन से किसको प्रॉब्लम हुई? जिनको प्रॉब्लम हुई उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का ऑपोजिशन किया, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं ऑब्वियसली समझती हूं कि समय के साथ साथ वी हैव टू रिमूव करप्शन फ्रॉम इंडिया। तो वो जो 9-10 साल पुराना वीडियो था उसको अब ये छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं ये कहकर कि मैंने ये पैसा लिया दलजीत या दिलजीत दोसा के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट केयर व्हाट हिज लास्ट नेम इज बिकॉज आई डोंट वॉच हिज फिल्म्स। सेकेंडली, मैंने कोई पैसा नहीं लिया उसके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, और बार बार यही एक वीडियो है आप लोगों के पास हर दम सोशल मीडिया पर डालने के लिए जब आपको मेरा कोई वीडियो पसंद नहीं आता, ये कहकर कि मैंने पैसे लिए हैं वो वीडियो बनाने के लिए, वो वीडियो जो आप लोगों का एजेंडा एक्सपोज करता है। ठीक है, तो बार बार सेम वीडियो मत प्रमोट करिए। ये ब्लैक मनी वाले स्टिंग ऑपरेशन में वाशु बगनानी से लेके अनीस बज्मी से लेके सब लोग पकड़े गए थे, तो इल्जाम मेरे पर मत डालिए क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ब्लैक मनी था और शायद है अभी, मुझे नहीं पता, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, एंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज की जो फार्मर्स बिल को पढ़े बिना ऑब्वियसली दिलजीत दोसा को भी भेड़ बकरी की तरह साइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहती गंगा में अपनी पब्लिसिटी चाहिए। तो मैं इन सबको बता देती हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अंधभक्त आप हैं, दिलजीत दोसा के हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी के, मुझे नहीं पता, मगर ये अंधभक्त होना बंद करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट टू सिख हु मर्डर्ड इंदिरा गांधी। इनका नाम था बेंत सिंह एंड सतवंत सिंह, ये इंदिरा गांधी जी के बॉडीगार्ड्स थे। इन्होंने इंदिरा गांधी जी के अंदर गोलियां पूरी भून, इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून दिया। ये इसलिए किया, क्यों? क्योंकि वो शायद बिंद्रावाला के सपोर्टर्स थे, वो बिंद्रावाला जिनको आप लोग संत मानते हैं और जिनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने 1992 में इंफॉर्मेशन दी थी कि बिंद्रावाला के खिलाफ केजीबी का षड्यंत्र था और ये केजीबी के षड्यंत्र द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन इंदिरा गांधी को दी गई। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ कुलदीप सिंह ब्रार के नेतृत्व में। कुलदीप सिंह ब्रार वॉज इन्वॉल्व इन द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 और कुलदीप सिंह ब्रार ने एग्जीक्यूट किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार अगेंस्ट जरनाल सिंह बिंद्रावाला एंड प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हु हैड अमास्ड वेपन्स इनसाइड गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स। और कुलदीप सिंह ब्रार आपका इंसान था, मगर कुलदीप सिंह ब्रार एक खालिस्तानी सोच रखने वाला सिख नहीं था। वैसे ही आप जैसे लोगों ने ब्रेन वॉश किया बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को, जो इंदिरा गांधी जी के लॉयल बॉडीगार्ड्स थे, और उनको इतना आप लोगों ने धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया कि उन लोगों ने बिंद्रावाला की मौत के बाद इंदिरा गांधी जी को गोली से भून दिया। तो मेरी दरखास्त है सभी अच्छे सिखों से, क्योंकि देखिए कोई बुरा नहीं होता, सबको ब्रेन वॉश किया जाता है बुरा बनने के लिए, तो सारे सिखों से मेरी दरखास्त है, आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है जैसे ब्रेन वॉश किया गया पहले। क्यों? क्योंकि खालिस्तान की सोच गलत है, खालिस्तान कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि आप भारतीय है। सिखों की वजह से हिंदुस्तान सुरक्षित रहा मुगल इन्वेजन में, तो सिखों के ऊपर भारत का अधिकार है और भारत के ऊपर सिखों का अधिकार है। ये जो बंटवारा हुआ 1947 में ये गलत था, जिन्ना ने गलत किया, और अब खालिस्तान की मांग रखने वाले सिख वो भारतीय नहीं हो सकते, वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सोच रखते हैं। मैंने ये इंफॉर्मेशन भी पढ़ी है
कि भैया कोई पाकिस्तान का ये जो DGI SPR है उसने बहुत सारे नकली अकाउंट्स बनाए हैं, जो सिख अकाउंट्स है, जो मुझे टारगेट कर रहे हैं शायद अब्यूज करने के लिए, क्योंकि ये सिख अकाउंट्स पाकिस्तान से बने हैं, नकली फेक सिख अकाउंट्स जो बैठ के ऑब्वियसली नफरत फैलाना चाहते हैं भारतीय सिख और भारतीय हिंदुओं के बीच में। तो सभी भारतीय सिखों से कहना है कि आप ब्रेन वॉश मत होइए। आप लोग जो देख रहे हैं फुटेज, कनाडा के अंदर की फुटेज, जहां पर लोग गाड़ियों में आ रहे हैं बाहर और खालिस्तान का फ्लैग झंडा उठा रहे हैं और फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कनाडा में बैठे हो तो कनाडा में बैठे रहो, कनाडा में बैठ के भारत के अंदर फूट डालने की कोशिश मत करो। भारत के अंदर जो मेहनती किसान है वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और उनको अपनी रोजी रोटी का सही भाव मिले, उनको अपनी फसल का सही भाव मिले, उसके लिए ये फार्मर्स बिल पास हुआ है। मगर ऑब्वियसली कनाडा में बैठकर खालिस्तान की सोच रखने वाले लोग गाड़ियों में बाहर आकर खालिस्तान का फ्लैग हिला रहे हैं और भारत के अंदर होने वाले फार्मर्स प्रोटेस्ट को आग डाल रहे हैं। तो भारतीय सिखों से इतना कहना है, जिनमें ऑब्वियसली देश प्रेम है, क्योंकि सिखों के अंदर देश प्रेम बहुत है, सिखों की वजह से हिंदू बेटियां बची रही, इन सिखों की वजह से भारत बचा रहा, भारत की संस्कृति बची रही, हिंदू बचे रहे। गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को याद करते हुए मैं सभी भारतीय सिखों से कहना चाहती हूं कि ब्रेन वॉश मत हो। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को भी ब्रेन वॉश किया गया, जिसकी वजह से उसने इंदिरा गांधी को भून दिया। अगर आपका बिंद्रावाला संत बिंद्रावाला था तो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। आप लोग भी ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा मत बनिए। आपके फार्मर्स के बेनिफिट के लिए एग्रीकल्चर बिल बनाया गया है, इसलिए एग्रीकल्चर बिल को पहले पढ़िए, फिर जाकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए अगर उस बिल में आपको कोई गलती दिखती है। मगर यह बिल आपके बुजुर्गों के लिए अच्छा बिल है, वो बिल जो सालों से खेती करते हैं, जेन्युइन फार्मर्स है। जेन्युइन फार्मर्स को ठंडी में बाहर मत लेकर आइए, ब्रेन वॉश मत होइए, अंधभक्त मत बनिए। बिकॉज यहां पर अगर कुलदीप सिंह बरार, जो आपकी ही कौम का था, वो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकता था, तो आपको समझना चाहिए कि आप लोगों के अंदर कितना देश प्रेम है। आप लोग भारत का हिस्सा है, आप लोग भारत से कभी अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि भारत आपकी वजह से है। मगर अगर आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आपको एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग रखनी चाहिए, और वो मांग कि में आप फार्मर्स को अपने घरों से निकाल कर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, तो ये गलत है। ये षड्यंत्र को समझिए। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह मत बनिए, बिकम कुलदीप सिंह बरार। यही मैं कहना चाहती हूं सभी भारतीय सिखों से। नमस्ते, जय हिंद।